हर हर महादेव, जय श्री कल्याण। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उत्पन्ना एकादशी, जो इस माह 30 नवंबर को है। जी दोस्तों, मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने उत्पन्न होकर के राक्षस मूर्ख का वध किया था, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे हर एक माह की एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मार्गशीर्ष महीने की यह एकादशी बहुत ही पुण्य का देने वाली एकादशी है। पुराणों में वर्णित है, जो एकादशी का व्रत करता है उसके अगले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, उसे संतान की प्राप्ति होती है तथा धन दान वैभव से उनका घर भरा हुआ रहता है। तो आइए और जानते हैं मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी को क्या करना चाहिए। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपको उपायों से रिलेटेड वीडियोस इसमें मिलती रहती है। मार्गशीर्ष माह की एकादशी पर भगवान को चंदन लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान को गोपी चंदन, अष्टांगन चंदन तथा तुलसी काष्ठ का चंदन अति प्रिय है, ये जरूर भगवान को लगाना चाहिए। हल्दी वाले जल से भगवान को अर्घ जरूर देना चाहिए। गंगा जल से भगवान का स्नान जरूर कराना चाहिए, जिससे सारे पाप कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं तथा उत्तम गति की हमें प्राप्ति होती है। एक और महत्वपूर्ण कार्य आपको जरूर करना चाहिए, अगर कोई कार्य आपका नहीं बन रहा है, काफ़ी समय से परेशान हो, तो कच्चा दूध उत्पन्ना एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर चढ़ाना चाहिए तथा संध्या काल में यानी कि रात्रि के समय एक घी का दीपक के वृक्ष के नीचे जरूर प्रज्वलित करके आना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, जिससे सारे काम आपके बनते चले जाएंगे।